हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष दुबे। दिस इज द लेक्चर ऑफ मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। जैसा आप हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पिछले लेक्चर में देखा था और वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, माइक्रोमीटर्स के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और क्या और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप के देखा था हमने, फिलर गेज, स्लिप गेज, ये सब पढ़ लिया था हमने। वो काफ़ी बड़ा चैप्टर था। अब ये देखिए, ये छोटा चैप्टर है, ये है मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। इसका हिंदी होगा सतह परिष्कृत का मापन। जैसे सरफेस फिनिश का मेजरमेंट करेंगे, आप लोग जानते हो कि जैसे अगर कोई भी मशीनिंग प्रोसेस हो, जैसे आप लोग अगर लेथ मशीन पे ऑपरेशन किए होंगे या अदर ऑपरेशन किए होंगे, तो क्या करते हो, फिनिशिंग ऑपरेशन करते हो ताकि उसका सरफेस हमारा चिकना दिखे, रफ मत दिखे, करते हो ना फिनिशिंग ऑपरेशन, वही होता है। अब हम वो सरफेस फिनिश कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं कि कौन सा कैसे रफ सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस कैसे देखते हैं, फिनिश सरफेस कैसे देखते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। और कैसे कैसे क्या क्या रफनेस के मेजरमेंट के यूनिट हैं, ये सब देखेंगे। जैसे आप लोग जानते हो, जब मशीनिंग प्रक्रिया करते हो तो मशीन क्या करते हो, उसके अपीयरेंस को, जैसे कोई भी मशीनिंग प्रोसेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके अपीयरेंस को, या पॉलिश उलिश करने, आप क्या करते हो, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिए, उसको पॉलिश करते हो ना लोहे का, जैसे पॉलिश जंग ना लगे, घी या सरफेस फिनिश अच्छा रहे, तो इसके लिए क्या करते हो आप, पहले जब आपका ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो क्या करोगे, उसको पहले फिनिश करो, सरफेस फिनिश करोगे। मींस ऊपर के जितने भी सरफेस हैं उनको क्या करोगे, जो भी रफ सरफेस है उनको हटाओगे और फिनिश सरफेस ले आओगे। समझ में आए, सरफेस फिनिंग प्रोसेस भी जानते हैं, जैसे हॉर्निंग होता है, लैपिंग होता है, ये सरफेस फिनिंग प्रोसेस होता है। पहले ड्रिलिंग करते हो, फिर बोरिंग करते हो, फिर हॉर्निंग करते हो होल को सरफेस फिनिश करने के लिए, ऐसे करते हो ना, तो वही सरफेस फिनिश होता है। अब देखो सरफेस रफनेस क्या होता है, हम कोई कैसे कह सकते हैं कि सरफेस रफ है, वो सरफेस कोई भी जो सतह है रफ है या खुरदुरा है या रूढ़ी है, हिंदी में इसको कहते हैं रूढ़ी, क्या कहते हैं इसको, एक मिनट रुक जाओ, हिंदी को देखता हूँ मैं क्या कहते हैं इसको हिंदी में, रुच्छ सरफेस ये कहते हैं, या खुरदुरा सरफेस या रफनेस, रफ सरफेस। देखो सरफेस रफनेस इज डिफाइंड एज द इरेगुलरिटी विच आर इनहेरेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कटिंग टूल और एब्रेसिव ग्रिप। मीन्स सरफेस रफनेस को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, जो भी इरेगुलरिटी प्रेजेंट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा, प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे आप कोई भी चीज़ कटिंग करते हो, लेथ मशीन पे आप लोग ऑपरेशन किए होंगे या कटिंग ऑपरेशन कुछ भी किए होंगे, तो आप क्या देखते हो, सरफेस खुरदुरा बन जाता है, तो उस सरफेस को हमें फिनिश करना पड़ेगा ना, इसीलिए वही जो इरेगुलरिटी होती है उसी को कहते हैं हम लोग सरफेस रफनेस। समझ में आ गया, तो सरफेस रफनेस इज डिफाइंड एज शॉर्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्स सरफेस रिलेटिव टू ड्रॉ। ये शॉर्टर फ्रीक्वेंसी क्या है आगे हम देखेंगे, ये आगे समझाऊंगा। अभी तो सरफेस रफनेस समझ में आ गया ना क्या होता है, सरफेस रफनेस कोई भी जो इरेगुलरिटी प्रेजेंट होती है, जो भी मशीनिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करते हो, सरफेस फिनिश हर जगह ज़रूरत होती है खुरदुरा सरफेस को चिकना सरफेस बनाने के लिए। ये होता है सरफेस रफनेस। अब आगे देखते हैं क्या, देखिए टर्म यूज इन सरफेस रफनेस, सरफेस रफनेस में कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, जैसे कोई देखो ये डायग्राम कैसे बन रहा है, ये डायग्राम देख रहा है कैसे बन रहा है, जैसे ये आपका ये सरफेस है, कोई सरफेस है, इस पर ऑपरेशन किया मैंने, कोई ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन करके इसको जब इस पर कोई ऑपरेशन किया मैंने, तो क्या होगा, इसका सरफेस रफ होगा, रफ हो जाएगा, तो यही दिखाया गया है, यही इस डायग्राम में दिखाया गया। देखो ये रफ सरफेस है, ये सरफेस है, एक प्लेट है समझ लो ये, और इस पे ये देखो लाइनिंग खींची गई, मीन्स रफ सरफेस है ये,
सरफेस रफ कैसे देखे, एक तो तुम दो मेथड से देख सकते हो, एक तो अगर ज़्यादा रफनेस रहेगा तो तुम स्पर्श द्वारा अपने हाथ से टच करके पता कर सकते हो कि सरफेस रफ है कि खुर्द या चिकना स्मूथ है। अगर आप लोग, या तो एक और ऑप्शन होता है, या तो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे कि सरफेस रफनेस कितनी है, सरफेस हाइट कितनी है, इसकी सहायता से आप देख सकते हो, समझ में आ गया। देखो ये आपका, जैसे ये देखो, देखिए ये सरफेस का ऊपर पार्ट है, तो ऐसे ऐसे रफनेस है, समझ में आया। तो ये जो, ये भी जो, ये देखो ध्यान से देखना, ये थोड़ा, ये देखो इरेगुलरिटी है, देख रहे हो रफ सरफेस पे, देखो देखो ये रफनेस हाइट कितनी हो जाएगी। रफनेस हाइट मीन्स देखो, ये रफनेस हाइट जो ये हाइट मिली, देख रहे हो ये, देखो देखो ध्यान से देखो, इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे ऐसे डायग्राम है, तो यही रफनेस हाइट होगी, यही इतना दूर तो सरफेस रफ है। इसका तरंग दिखाने का मतलब क्या, ये जो वेव फॉर्म है इस तरह दिखा, इसका मतलब क्या, ये सरफेस है स्मूथ, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर इतना खुरदुरा है, फिर इतना खुरदुरा है, फिर इतना खुरदुरा, समझ में आ गया, इतना रफनेस है। तो ये जो यही जो हाइट हो गया, यही सरफेस रफनेस, यही रफनेस हाइट कहलाता है, ये रफनेस हाइट कहलाता है, समझ आए। देखो ये रफनेस हाइट कहलाता है, रफनेस विड्थ क्या कहलाता है, देखो रफनेस विड्थ, देखो रफनेस विड्थ ये जो है रफनेस की, जो सतह खुरदरा है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, देखो ऐसे है, तो या तो कैसे देखोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक दोनों जो पीक पे हैं इनको लेकर विड्थ देख सकते हो, श्रृंग गर्त पड़े हो ना, श्रृंग गर्त हिंदी में, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, देखो यहाँ पे ये श्रृंग पेमनिस और ये पेमनिस, देखो ये जैसे आप लोग का ये ऐसे ऐसे गया, ये आपका क्या हो गया, रफनेस विड्थ, इतना ही चौड़ाई है रफनेस का। देखो फ्ला है, फ्ला मतलब थोड़ा छोटा छोटा कहीं कहीं घे वो बन जाते हैं, जैसे अगर यह सरफेस है तो यहाँ से मटेरियल निकल गया, मटेरियल निकल गया, कोई मशीनिंग ऑपरेशन किया, यहाँ से मटेरियल निकल गया, तो उसी को फ्ला कहते हैं। देखो ये ले क्या होता है, अभी आगे सब डिस्कस करूँगा, ले देखो लेयर बाई लेयर ये ले है। देखो आगे मैं इसी को डिफाइन करता हूँ, एक टर्म को, देखो रफनेस क्या होती है, रफनेस अभी मैंने बताया हूँ कि जो भी इरेगुलरिटी प्रेजेंट होती है रफनेस, देखो रफनेस कंसिस्ट ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी विच रिजल्ट फ्रॉम द वेरियस मशीनिंग प्रोसेस, मीन्स रफनेस वो होता है जो सरफेस पे इरेगुलर, मैं शुरू में ही बताया हूँ, जो सरफेस पे इरेगुलरिटी प्रेजेंट होता है, इरेगुलर मीन अनियमितता आ जाना, जैसे आपका ये सरफेस है, जब इस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करोगे तो सरफेस देखना अनियमितता आ जाएगा, प्लेन नहीं रह पाएगा, उसी को कहते हैं रफनेस सरफेस। दिस इरेगुलरिटी कंबाइंड टू फॉर्म सरफेस टेक्सचर, देखो सरफेस टेक्सचर क्या होता है ये आगे मैं डिस्कस अभी कर रहा हूँ, अभी दो टेक्सचर होते हैं, प्राइमरी टेक्सचर, सेकेंडरी टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है उसी में बताऊँगा मैं, टेक्सचर समझ लो एक तरह से वही रफनेस ही है। अगर रफनेस छोटा है, अब रफनेस को मेजरमेंट करता है, ये रफनेस अगर ज़्यादा होगा तो प्राइमरी टेक्सचर, अगर रफनेस कम होगा तो प्राइमरी टेक्सचर, अगर रफनेस ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी टेक्सचर। अब देखो इसमें, देखो ये रफनेस हाइट क्या होती है, इट इज़ द हाइट ऑफ इरेगुलरिटी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन मेजर्ड इन द मिलीमीटर और माइक्रोन या माइक्रो इंच, इज ऑल्सो नोट हाइट ऑफ अनइवननेस। देखो हाइट ऑफ इरेगुलरिटी, हाइट ऑफ इरेगुलरिटी मीन रफनेस हाइट, देखो ये आपका रफनेस हाइट हो गया, देखो रफनेस हाइट, ये रफनेस हाइट कौन सा हो गया, ये जो है ना, ये ऐसे से रफ है, रफ सरफेस का, देखो ये इस, ये सामने ये आपका ऐसे ऐसे, ये आपका रफनेस हाइट हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इसको किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में, क्योंकि ये जो भी रफनेस होता है आप देखकर पता
लगा सकते, लेकिन कोई कोई रफनेस ऐसे होता है जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ता है। तो किस में होते हैं, एमएम में होंगे, नैनोमीटर में होंगे, बहुत कम कम में होंगे, समझ गए। तो इसलिए रफनेस को, रफनेस ये बहुत छोटे देखने में आपको लग रहा है कि इतना रफ है, लेकिन कहाँ रफनेस बहुत कम होता है हाइट उसकी। रफनेस बीट तो बता दिया है, अभी रफनेस बीट तो क्या है दिखा दिया मैंने, रफनेस बीट से देखो, ये रफनेस बीट इज कट ऑफ द ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस, देख लें ले क्या है, ले देखो इंपॉर्टेंट है, ले प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्री डोमिनेटेड सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस एंड इट रिफ्लेक्ट द मशीनिंग ऑपरेशन यूज टू प्रोड्यूस इट। देखो डायरेक्शन ऑफ प्री डोमिनेंट सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस, देखो क्या होता है ले, ये डायग्राम देखना। देखिए ये जो सॉरी ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो डायरेक्शन बना है ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्री डोमिनेट सरफेस मतलब जो जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे ऐसे होगी, इस पे सरफेस ऐसे ऐसे होगा, इसी को ले कहते हैं, देख रहे हैं, इसी को ले कहते हैं। देखो वही लिखा, ले रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्री डोमिनेट सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस इट रिफ्लेक्ट द मशीनिंग ऑपरेशन टू प्रोड्यूस इट। देख लो ये डायरेक्शन है ना मशीन, देखो ले डायरेक्शन, ये ले का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मशीनिंग हुई है। मतलब जब ले डायरेक्शन क्या दिखाता है, ले ये दिखाता है कि इसी डायरेक्शन में मशीनिंग। अच्छा एक बताओ, ये सरफेस अगर मान लो, जैसे ध्यान से देखना, अभी एक बता रहा हूँ, जैसे ध्यान से देखना आप लोग, जैसे ये सरफेस है, अगर मान लो इसको मैं इसको इस पर मशीनिंग ऑपरेशन हुआ है, तो ये सॉरी ये सरफेस है आपका, इस पर मशीनिंग, अगर मशीनिंग ऑपरेशन ऐसे ऐसे हो गया है, ऐसे 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 हुआ है, लंबाई में हुआ है, इसको इस तरह से चौड़ाई में हुआ है, तो इस ये डायरेक्शन ले क्या हो जाएगा, ले की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ले ये हो जाएगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट पे मशीनिंग डायरेक्शन मशीनिंग ऐसे ऐसे हुआ है, तो ले कैसे हो जाएगा, ये ले है, ले तब आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ले वही दिखाता है कि जिधर मशीनिंग हुआ है, समझ में आ गया, ये दिखाता है। अब चलते हैं आगे, देखो वेविनेस हाइट क्या होता है, पीक टू वैल्यू डिस्टेंस ऑफ वेविनेस क्या होता है, जैसे ये जैसे मैंने अभी बताया ये सरफेस है आपका, तो यहाँ पे ये खुरदरा बन गया, तो पीक देखो पीक ये है भाई, ये सरफेस रफ कैसे बनेगा, ऐसे ही दिखेगा ना, तो पीक ये हो गया और ये वैली। तो इसे क्या करता है वेविनेस हाइट इज द पीक टू वैली, ये डिस्टेंस बताता है, यही वेविनेस। वेव कैसे, वेविनेस नाम क्यों, क्योंकि वेव फॉर्म में दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम वेविनेस दिखाई। देखो रफनेस में दो टाइप, एक वेविनेस भी इसको कहते हैं, वेविनेस देखो वेविनेस मीन्स वेव के फॉर्म में दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे रफनेस जब रफ सर्फेस को आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे ना, तो वो वेव के फॉर्म में दिखाई देगा, समझ में आ गया, इसलिए इसको कहते हो वेविनेस हाइट, वेव नाम दे दिया गया है। कैसे वेव, देखो इस तरह का वेव दिखाया मैंने ना, देखो ये वेव ही तो है, तरंग है ना, ये तरंग हिंदी में कहते हैं तरंग, तो इसको वेव की तरह दिखाई दे रहा है, ये जिस तरह तरंग चलती है, अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये होता है वेविनेस, इसीलिए इसका नाम वेविनेस पड़ गया, समझ में आ गया समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको वेविनेस क्या होता है। अब आते हैं देखते हैं आगे, रूट मीन स्क्वायर अर्थमेटिक एवरेज या रूट मीन, वेविनेस हाइट हो गया, ये सब टर्मिनोलॉजी है इसके, देखो अर्थमेटिक एवरेज और रूट मीन स्क्वायर, ये आगे मैं अभी बता रहा हूँ अर्थमेटिक एवरेज क्या होता है, जब मैं सी एल ए आर एम एस बताऊँगा। तो फ्ला क्या होता है, ये दोनों अभी बता रहा हूँ आगे। फ्ला क्या होता है, इरेगुलरिटी विच अकर्ड एट वन प्लेस वाइडली वेयरिंग इंटरवल इन सरफेस इट इंक्लूड क्रैक और स्क्रैचेज, मैंने अभी दिखाया था फ्ला क्या होता है, जैसे ये सरफेस है आपका, ये आपका इस तरह से सरफेस खुरदरा है, तो ये वेविनेस मतलब यहाँ से थोड़ा सा मटेरियल हट गया, इसी को कहते हैं फ्ला समझ गए। इरेगुलरिटी विच अकर्ड केवल एक जगह पे होती है, जैसे यहाँ पे आप लोग जब मशीनिंग आप या कोई भी ऑपरेशन करते हो, तो आप लोग जब सरफेस पे करते हो तो देखते नहीं हो कि थोड़ा सा मटेरियल हट जाता है कहीं का,
चिप के फॉर्म में निकल जाता है वही फ्लॉ कहलाता है, जो इरेगुलरिटी आ जाती है। अब देखो सैंपलिंग लेंथ क्या होता है। देखो सैंपलिंग लेंथ किसी रफ सरफेस की वह लंबाई जो रफनेस की गणना करने के लिए आवश्यक होती है सैंपलिंग लंबाई कहलाती है। इसे कट ऑफ लेंथ भी कहते हैं। इसकी प्रोफाइल की दिशा के समीप नापी जाती है। सैंपलिंग लंबाई उत्पादन प्रक्रम पर निर्भर करती है। अधिकतर उत्पादन प्रक्रम के लिए 0.8 mm सैंपलिंग लंबाई प्रयोग, यदि सतह पर तरंगता अधिक है तो 25 mm तक सैंपलिंग लंबाई प्रयोग की जाती है। देखो सैंपलिंग क्या होता है, जैसे आप लोग को आप जानते हो कोई भी रफ सरफेस है, रफ सरफेस जैसे मान लो ये सरफेस है, तो जहाँ तक हम सरफेस रफनेस की गणना करेंगे, जैसे अगर मान लो ये ये आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, ये आप अभी सैंपलिंग लेंथ आगे यूज होगा बहुत, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर मशीनिंग ऑपरेशन कर लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इस पर मशीनिंग ऑपरेशन किए। जब मशीनिंग ऑपरेशन करके, तो आप जानते हो जब मशीनिंग ऑपरेशन करोगे तो इस पर रफनेस आ जाएगा, ये सरफेस रफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सरफेस रफ हो जाएगा। तो देखो मान लो ऐसे इतना दूर सरफेस पे मशीनिंग ऑपरेशन, पूरा सरफेस रफनेस हो गया, तो पूरे लंबाई में हम क्या करेंगे, रफनेस को देखेंगे कि कितना रफनेस है, तो यही सैंपलिंग लेंथ हो गया। कि मीन्स पूरे लंबाई में कहाँ तक, जैसे मान लो अगर तुम यही ऑब्जेक्ट है, अगर तुम मशीनिंग सिर्फ इतना ही जगह किए हो तो रफनेस सिर्फ इतना ही जगह दिखेगा, तो सैंपलिंग लंबाई तुम्हारी इतनी हो जाएगी। तो सैंपलिंग लंबाई वो लंबाई होती है जहाँ तक पूरा मशीनिंग टीम किए और रफ जहाँ तक सरफेस है, जो सरफेस रफनेस की गणना करने के लिए काम आता है। क्योंकि सरफेस रफनेस अगर रफनेस की गणना, मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मतलब ये प्लेट है समझ लो, इसी पर अब मशीनिंग ऑपरेशन किया और तुम कहाँ तक ऑपरेशन किए हो, सिर्फ इतना ही दूर किए हो, इतना ही दूर ऑपरेशन किए हो, तो इतना दूर पे तो कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। तो जब कोई ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये रफ सरफेस नहीं होगा। इस पर ज़्यादातर रफ सरफेस कैसे मिलते हैं, जब कोई ऑपरेशन करते हो, जब से तुम ड्रिलिंग कटिंग ये सब करते हो तभी सरफेस रफ होता है, समझ में आ गया। जब सरफेस जहाँ पे ऑपरेशन ही नहीं किया तो वहाँ पे सरफेस का रफ होगा, तो सैंपलिंग लेंथ तुम्हारी इतनी हो जाएगी, क्योंकि रफनेस की गणना इतना ही दूर करोगे, इसमें तो करोगे नहीं, समझ में आ गया, ये होता है। अब देखो प्रोफाइल की मद मीन लाइन ऑफ प्रोफाइल क्या होता है। देखो मीन लाइन ऑफ प्रोफाइल ये होता है कि जैसे मान लो ये आपका सरफेस है, तो जानते हो जब सरफेस रफनेस बनता है तो ऐसे तरंग टाइप का खुरदुरा सतह दिखाई देता है, जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो मीन रेखा मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये आपका ऐसे रफनेस मिल गया, जैसे कोई सरफेस है, समझ लो तुम्हारा ये मोबाइल है, इसी पे रफनेस ऐसे मिल गया, ऐसे रफनेस है, रफ है तुम्हारा मोबाइल, तो इसके बीच से एक लाइन गुजार दो, यही मीन लाइन होता है। मीन जो इसको दो भागों में बांटा गया, ऊपर और नीचे बांट देता है, समझ गया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टेक्चर। देखो प्राइमरी टेक्चर सेकेंडरी टेक्चर क्या होते हैं, टेक्चर क्या होता है। देखो सतह टेक्चर, जो टेक्चर होता है इसको इंग्लिश में हिंदी में दोनों में टेक्चर कहते हैं। जो सतह टेक्चर होता है किसी तरह का लाक्षणिक गुण है जो सतह की सामान्य ज्यामिति आकृति से नियमित अथवा अनियमित अंतराल में बने छोटे छोटे परिवर्तन के रूप में होता है। सरफेस टेक्चर दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी और टेक्चर सेकेंडरी टेक्चर। जैसे अभी शुरू में ही टेक्चर वर्ड आया था यूज में, तो टेक्चर क्या होता है, जैसे आप लोग जानते हो कि जब कोई भी सरफेस पे जब ऑपरेशन करते हो, मशीनिंग ड्रिलिंग बोरिंग हॉर्निंग जो भी करते हो, जो भी मशीनिंग ऑपरेशन करते हो, तो आप जानते हो कि सरफेस रफ बन जाता है। तो जो भी सरफेस रफ बन जाता है उसी के आकार में थोड़ा सा परिवर्तन, छोटे छोटे परिवर्तन हो जाते हैं अंतराल में। कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, मान लो ये सरफेस है, जैसे यही ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, समझ लो जो डस्टर यूज करते हो ना कॉलेज में जो मिटाने के लिए, यही है। तो देखते हो उसका सरफेस रफ सरफेस होता है थोड़ा बहुत, तो यही होता है कि देखो रफ सरफेस मतलब थोड़े थोड़े दूरी पर, जैसे ये अब इसका ऊपरी भाग है, इसके ऊपरी भाग के थोड़े थोड़ी दूरी पर क्या होता है, ऐसे रफनेस दिखाई देगा नियमित अंतराल पर, छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देगा, इसी को टेक्चर कहते हैं। ये परिवर्तन ज़्यादा भी हो सकता है, ये परिवर्तन कम भी हो सकता है, मीन्स ये टेक्चर ज़्यादा भी हो सकता है, ये मतलब रफनेस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है,
अगर कम रहेगा तो उसी को प्राइमरी टेक्सचर कहते हैं, अगर ज़्यादा रहेगा तो उसी को सेकेंडरी टेक्सचर कह देते हैं। उसी को दो भागों में बांटा गया है। ये देखो प्राइमरी टेक्सचर, अभी मैंने बताया प्राइमरी टेक्सचर क्या होता है। प्राइमरी टेक्सचर या रफनेस, देखो छोटे तरंग दर की सतह अनियमितताओं को प्राइमरी टेक्सचर या रुचिता कहते हैं। यह अपेक्षाकृत सूक्ष्म रूप से बनी हुई सूक्ष्म अथवा माइक्रो ज्योमेट्रिकल की सतह अनियमितताएँ होती हैं। LR/HR <=50/50। देखो ये क्या होता है प्राइमरी टेक्सचर, जैसे आपका ये सरफेस है, जब इस सरफेस पर कोई ऑपरेशन होगा तो जानते हो कि सरफेस रफ बन जाएगा, रफ हो जाए खुरदुरा बन जाएगा। ये खुरदुरा ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा रफ बन गया तो उसको क्या करोगे, तुम उसको चिकना बनाओगे, उसे स्मूथ बनाओगे। लेकिन ज़्यादा रफ बन गया या कम रफ बन गया वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन, मशीनिंग ऑपरेशन यूज करें। जैसे मान लो कोई ऐसा मशीनिंग ऑपरेशन यूज किए, प्रयोग किए आप लोग, कम टेक्चर बना, मतलब कम रफनेस मिला, ज़्यादा बड़ा बड़ा रफनेस नहीं मिला, सतह बहुत ज़्यादा रफ नहीं है, तो छोटी तरंग दर्द क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो है ये ऐसे तरंग के रूप में बनता है। आप लोग जानते हैं जब कोई सरफेस है इसका रफनेस कैसे ऐसे तरंग के रूप में दिखाएगा, ऐसे ऐसे तरंग के रूप में। तो यह अगर सूक्ष्म में रहेगा, सूक्ष्म मतलब छोटा रहेगा तरंग, अगर यही बहुत बड़ा बड़ा रफनेस आ जाता इस तरंग तो इसको सेकेंडरी टेक्सचर कहेंगे। अगर यही छोटा छोटा है, देखो छोटा छोटा, इसको कहते हैं प्राइमरी टेक्सचर। और LR/HR, जैसे मान लो ये सरफेस तो अगर रफ बना तो खुरदुरा बनेगा, तो ऐसे ऐसे इसका खुरदुरा, एक बात बता खुरदुरा को कैसे दिखाते हो, इस तरह से तरंग से दिखाओगे। अगर मान लो सरफेस चिकना रहे तो कैसे दिखाते हो, एक लाइन से दिखाओगे, ये स्मूथ के लिए दिखाओगे और ये रफ के लिए दिखाते हो, समझे, ये रफ के लिए दिखाते हो। जो भी ये रफ के लिए दिखा रहे हो आप, तो जो भी LR/HR, देखो LR क्या, इसके लेंथ कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ किसी भी तरंग की लेंथ कैसे देखते हैं कि इसके दो पीक ले लो या दो गर्त ले लो, स्ट्रिंग या गर्त, दो तुम्हारा वैली ले लो, वैली मीन्स नीचे घाटी होता है, वैली में वैली मतलब घट कम हुआ, अब पीक मतलब चोटी होता है, जानते हैं आप लोग। तो इसकी अगर वैली को ले, दो वैली को बीच की दूरी लेंथ होती है या दो पीक के बीच की दूरी ही लेंथ होती है, लगातार दो, आप लोग जानते हो लंबाई कैसे नापते हैं। और HR मतलब इसकी कितनी हाइट है, तो L रफनेस, LR मतलब रफनेस लंबाई, तो LR/HR इज लेस देन 50, हमेशा 50 से ज़्यादा। एक बार अगर 50 से कम है हमेशा, तो इसका मतलब HR ज़्यादा होगा, नहीं सॉरी HR ज़्यादा नहीं होगा, LR/HR दोनों रेशियो 50 से कम आना चाहिए आपका, देख रहे हो, ये आपका होता है प्राइमरी टेक्सचर। अब आते हैं सेकेंडरी टेक्सचर में, देखिए सेकेंडरी टेक्सचर, क्योंकि अपेक्षाकृत बड़ी तरंग दर्द और पेरियोडिक कैरेक्टर सतही अनियमितताओं को सेकेंडरी टेक्सचर या रेविनेस कहते हैं। जैसे आप लोगों के सामने डायग्राम दिख रहा है, एक बात बताओ, एक बात तो इस डायग्राम में दिख क्या रहा है, इस डायग्राम में यही दिख रहा है कि जो भी रफनेस हाइट है वो कितनी बड़ी बड़ी है, देख रहे हो, देखो ऐसे ऐसे रफनेस कितनी बड़ी, उसमें कितना था प्राइमरी टेक्सचर में, छोटे छोटे थे। तो जो यहाँ पे जो रफ बनेगा, जो तरंग बनेगी वो बहुत बड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि अपेक्षाकृत बड़ी तरंग है, लार्ज वेवलेंथ। अच्छा यहाँ पर तरंग की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई जो सरफेस रफ होता है ना वो तरंग की तरह दिखेगा, रफ जैसे मान लो आप अपने हाथ से तुम टच करो, देख रहे हो ये पीक दिखेगा, गर्त दिखेगा, तो रफ टाइप का दिखेगा ना इस तरह, या वेविनेस कहते हैं सेकेंडरी टेक्सचर, या वेविनेस कहते हैं सेकेंडरी टेक्सचर। तो LW मतलब मीन्स दो पीक के बीच की दूरी लेंथ हो जाएगा, और HW मतलब वेविनेस, LW मतलब लेंथ ऑफ वेविनेस और HW मतलब हाइट ऑफ वेविनेस, ऑलवेज ग्रेटर देन 50। कोई भी मशीन सतह किसी एक प्रकार का नहीं वरन दोनों प्रकार के टेक्सचर का समायोजन होता है, आप लोग जानते हो। जैसे अगर मान लो कोई सरफेस है तो जब इस पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन हुआ है
तो मशीनिंग जब ऑपरेशन हुआ है तो इसमें दोनों तरह का कम्बिनेशन बनेगा, प्राइमरी टेक्चर सेकेंडरी टेक्चर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो जब मशीनिंग ऑपरेशन करोगे तो कहीं 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 रफनेस कम होगा, कहीं कहीं रफनेस बहुत अधिक होगा। तो जहां रफनेस अधिक होगा उसको सेकेंडरी टेक्चर कहेंगे, और जहां पे रफनेस कम होगा उसे प्राइमरी टेक्चर में ले लेंगे। जहाँ पे रफनेस कम होगा वहाँ पे आपको छोटी तरंग दर्द बनेगी, जहाँ पे रफनेस अधिक होगा वहाँ पे बड़ी तरंग दर्द बनेगी। समझ गए? तो ये आपका सेकेंडरी, तो दोनों तरह का कम्बिनेशन होगा ना। आप ही बताओ कि ऐसा तो नहीं है कि सारा सरफेस में हर जगह बड़े बड़े रफनेस दिख रहे हैं, बड़े बड़े हाइट के वेव दिख रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। समझ आ गए? ये होता है आपका सेकेंडरी टेक्चर। अब आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस रफनेस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो सरफेस रफनेस को अफेक्ट करते हैं। चलिए अगला लेक्चर में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस रफनेस। धन्यवाद।